हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 29.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 23। क्या रहा है, एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। हमें इनका वर्णन करना है और फिर इनका मान भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए, तो एक पासे को अगर आप फेंकेंगे, एक पासा फेंका जाता है तो प्रतिदर्श समिष्ट क्या होगा, तो उसमें एलिमेंट आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए यहाँ पर देखिए, इन घटनाओं को समझिए। ए क्या कह रहा है कि संख्या 7 से कम है, तो 7 से कम इसमें सभी के सभी हो जाएंगे, यानी कि इसमें घटना में आपके जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी परिणाम आ जाएंगे। दो नंबर में यहाँ देखिए, बी क्या कह रहा है कि ये जो बी घटना है, संख्या 7 से बड़ी है, तो 7 से बड़ी इसमें कोई होती ही नहीं है, 5 हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सी देखिए, संख्या 3 का गुणज है, तो संख्या 3 का गुणज कौन कौन सा होगा, 3 होगा और 6 होगा। चार नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि डी, संख्या 4 से कम है, तो संख्या 4 से कम, तो 4 से कम 1, 2 और 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद पांच नंबर देखिए, ई जो घटना है कह रहा है कि 4 से बड़ी सम संख्या है, तो 4 से बड़ी सम संख्या सिर्फ आपकी 6 होगी। फिर यहाँ देखिए 6 नंबर में इसका एफ जो घटना कह रहा है, क्या कह रहा है कि संख्या 3 से कम नहीं है, तो 3 से कम नहीं यानी कि 3 के बराबर या 3 से अधिक होगी, यही ना होगी जी। चलिए अब इन पे हम लोग इनका मान ज्ञात करते हैं। पहला हमें निकालना है ए यूनियन बी, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, तो वही 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद दिया है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं मिला इसलिए 5। फिर उसके बाद है बी यूनियन सी, तो यहाँ देखिए बी और सी का यूनियन में आ जाएगा आपका 3 और 6। फिर उसके बाद ई यूनियन एफ है, तो ई और एफ का यूनियन देखिए, ई और एफ का यूनियन हो जाएगा 3, 4, 5, 6। फिर उसके बाद है डी इंटरसेक्शन ई, तो डी और ई का इंटरसेक्शन, डी और ई का इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं इसलिए 5। फिर उसके बाद है ए माइनस का सी, यानी ए और सी देखिए, इन दोनों में 3 और 6 कॉमन है, इनको हटाकर ए में जो बच गए वो सब ना लिखेंगे, 1, 2, 4, 5, ठीक है, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए फिर उसके बाद ए माइनस सी के बाद है डी माइनस ई, डी माइनस का ई, डी माइनस का ई, तो देखिए डी ए रहा, ई ए रहा, इसमें अगर कॉमन देखें तो कुछ नहीं, तो बचे हुए एलिमेंट जो डी के होंगे वही 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है ए माइनस का सी के बाद डी माइनस ई हो गया, और उसके बाद एफ डैश है, सॉरी एफ डैश है, एफ डैश है, तो एफ डैश के लिए वही प्रतिदर्श समिष्ट में से एफ वाले एलिमेंट को हटा देंगे, तो यानी 3, 4, 5, 6 हटा देंगे, तो इसमें आ जाएगा 1, 2, ठीक है। फिर उसके बाद है ई, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, इसका मतलब कि ई माइनस एफ की बात हो रही है, तो ई ये रहा, एफ ये रहा, तो यहाँ देख लीजिए 6, 6 दोनों में कॉमन, इसमें कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्या कह रहा है कि दो पासे फेंके जाते हैं, घटनाएं ए बी सी निम्नलिखित यहाँ दी है, निम्नलिखित घटनाओं का यहाँ वर्णन करें, इनका मान निकालना। देखिए दो पासे को फेंकेंगे, तो उसके ऊपर आपको पता है सिंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर इसी में लिख देते हैं 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या होगा, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, ठीक है, ये आपके सैंपल स्पेस होंगे। अब इसके बाद घटनाओं को थोड़ा गौर कीजिए। ए जो घटना है क्या कह रहा है कि पहले पासे पर एक सम संख्या प्राप्त हो, नहीं पहले पासे पर सम संख्या कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है, तो यहाँ 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 1, 2, 6 वाले पे 2, 1, 2, 3, सॉरी 2, 2 भी तो है, 2, 3,
4, 2 5, 2 6, फिर उसके बाद देखो 4 1, 4 2, 4 3, पहले पासे पे हमें सम संख्या चाहिए है ना जी, 4 4, 4 5, 4 6, फिर उसके बाद है आपके पास 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, पहले पासे पर एक विषम संख्या प्राप्त हो, तो विषम संख्या वाले फिर इसमें लिखेंगे बीजो घटना उस पर, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर उसके बाद 3 1, 3 2, ठीक है, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर उसके बाद आपके पास 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 4, 5 5, 5 6, ये ना जगह पहले पासे पर भी। सी में देखिए क्या करें, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 के बराबर या 5 से कम है, तो पासे पर प्राप्त अंकों का योग क्या होना चाहिए, प्राप्त संख्याओं का 5 या 5 से कम। तो यहाँ हम लोग 1 1 ले सकते हैं, 1 2, 1 3, 1 4, ये 5 होगा और ये बाकी सब का योग 5 से कम होगा। फिर उसके बाद 2 1 हो जाएगा, 2 2, 2 3, बस इतना है। फिर 3 1, 3 2, 5 या 5 से कम होना चाहिए ना। फिर उसके बाद 4 1, 4 2 तो 6 हो जाएगा, 5 1 में नहीं जाएगा, बस इतना ही होगा। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे मान निकालते हैं। पहले में क्या कर रहा है, ए का पूरक, ए का पूरक ए नॉट, यानी कि इसको इसमें से हटा देना होगा, तो यानी कि ये सब पहले स्थान पे सम वाले को हटा देना होगा, तो यानी विषम वाले बच जाएंगे, ठीक है, यानी ये बी के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर उसके बाद हो जाएगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 3 के बाद हो जाएगा 5 4, 5 5, 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, बी नॉट, यानी कि अब बी नॉट अगर निकालना है तो बी नॉट यानी कि बी वाले सबको इसमें से एस वाले में से हटा देंगे, यानी कि पहले स्थान पे विषम वाला हटा के यानी सम वाला ले लेंगे, एक ही इक्वल हो जाएगा 2 1, 2 2, 2 3, ठीक है, ये 2 3 है। फिर उसके बाद 2 4, 2 5, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ए या बी यानी दोनों का यूनियन, ठीक है, ए यूनियन बी, ए या बी यानी कि ए यूनियन बी, तो ए और बी के यूनियन की बात करेंगे, तो एक में अगर इसमें देखें तो एक प्रथम स्थान पे सम वाले हैं, इसमें विषम वाले, तो यानी कि दोनों का यूनियन प्रतिदर्श समिष्ट ही आ जाएगा, यानी उसमें टोटल टोटल आ जाएगा 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर उसके बाद हो जाएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर आपका हो जाएगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6,
फिर आपका हो जाएगा यहाँ 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, फिर आपका हो जाएगा 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, ये ना हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहा, फिर हमें निकालना है ए और बी, तो दोनों का इंटरसेक्शन की बात कर रहा है चार नंबर में, तो ए इंटरसेक्शन बी, उसमें कुछ कॉमन मिलेगा? देखो तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, एक भी एलिमेंट, यानी कि 5 हो जाएगा। फिर 6-5 नंबर में देखो, उसमें 5 नंबर में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए किंतु सी नहीं, ए किंतु सी नहीं, यानी कि ए नॉट सी, ए का लेंगे सी का छोड़ देंगे, यानी कि ये इस वाले में से इन सबको ये छोड़ देना होगा। तो इसमें से कौन कौन सा छोड़ देंगे, तो देखो 1-1 इसमें है नहीं, 1-2 भी नहीं, 1-3, 1-4 ये भी नहीं है, 2-1, 2-2 छोड़ेंगे, 2-1, 2-2 छोड़ेंगे, 2-3 भी छोड़ देंगे, अच्छा 3-1, 3-2 वाला है नहीं, और 4-1 छोड़ना होगा, ठीक है 2-1, 2-2, 2-3, अब 4-1 छोड़ देंगे ए वाले में से, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2-4, 2-5, 2-6, फिर उसके बाद हम लोग 4-1 छोड़ देंगे, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, फिर उसके बाद 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, समझ गए? चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हमें निकालना है बी या सी, बी और सी का यूनियन, इन दोनों का यूनियन, ठीक है। इसमें ये भी है 2-1, 2-2, 2-3, 2-3 वाला, यहाँ तक नहीं है, अच्छा फिर उसके बाद 3-1, 3-2, 4-1 भी नहीं है, 2-1, 2-2, 2-3 इसमें ले लेंगे, एक 4-1 ले लेंगे, बाकी सब वही एलिमेंट रह जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पर, हमें निकालना था बी यूनियन सी, ठीक है। तो बी यूनियन सी में बी वाले एलिमेंट, तो बी वाले में पहला आपका देख लो एक बार, पहला यहाँ विषम है और दूसरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, पहला विषम होना चाहिए हरेक स्थान पे, इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो क्या हो जाएगा दोनों का यूनियन, तो 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, इसमें 2-1, 2-2, 2-3, अच्छा फिर आपका 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-5 के बाद 3-6, फिर उसके बाद 4-1 एक ऐड हो जाएगा, और उसके बाद 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-4, 5-5, 5-6, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद 7 नंबर में यहाँ दिया है बी और सी, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन देखते हैं, यहाँ पर देखिए बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में देखिए बी और सी का इंटरसेक्शन, इसी वेन का क्या होगा वेन, तो चलिए बी और सी ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, और फिर उसके बाद यहाँ पर 3-1, 3-2, ठीक है, यही ना हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, है ना जी, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद उनमें क्या मिलेगा, तो क्या था जी देख लेते एक बार, बी और सी का इंटरसेक्शन 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, अच्छा उसके बाद यहाँ पर है आपका 3-1, 3-2, 3-1, 3-2, 3-1, 3-2, समझ गए, ये बी इंटरसेक्शन सी हो। चलिए आगे देखते हैं 7 के बाद क्या है, 8 नंबर, ए नॉट बी नॉट सी, ये निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पर हमें निकालना है 8 नंबर में ए नॉट बी नॉट सी, तो देखिए ए में आपके एलिमेंट क्या थे पहले समझ लो, ए में एलिमेंट थे आपका आपका
2-1 ऐसे करके ना था जी, सम पहले दूसरा विषम था, देख लेते हैं 2-1 इसमें और वाला था, चलिए देखते हैं 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, फिर उसके बाद 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, फिर 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, फिर उसके बाद यहाँ क्या रहा है इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी बी वाले पहले स्थान पे विषम वाले थे तो एस में से हटा देंगे उसको, यानी आ जाएगा वहां पर भी 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, फिर उसके बाद 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए फिर इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, सी का पूरक क्या हो जाएगा, तो इसका पूरक देखिए क्या हो जाएगा, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-3, अच्छा जो यहाँ पे योग 5 या 5 से कम हो रहा था उसको छोड़ देंगे प्रतिदर्श समिष्ट में से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1-5, 1-6, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 1-6 के बाद यहाँ पर 2-1, 2-2, 2-3 नहीं लेंगे, 2-4, 2-5, 2-6, फिर उसके बाद 3-1, 3-2 छोड़ देंगे, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, फिर 4-1 छोड़ दीजिए, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, ठीक है। तो अगर हम लोग इन सब तीनों का इंटरसेक्शन करें, ठीक है, तो इन दोनों का तो इंटरसेक्शन सेम ही होगा, यही है ना, टोटल का टोटल कॉमन है। अच्छा तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें जो पहले स्थान पे सम वाले होंगे ना वही हमें कॉमन मिल रहे हैं, इन तीनों का इंटरसेक्शन मेरे को क्या आ जाएगा, 2-4, 2-5, 2-6, फिर 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6-1, 6-2, 6-3, ठीक है, 6-4, 6-5, 6-6, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा किसका वैल्यू है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चलिए देखिए एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो यहाँ पर हमें सिंपल स्पेस में क्या मिलेगा, 3ों बार हेड हो सकता है या फिर हेड हेड टेल हेड टेल हेड, फिर आपका हो जाएगा टेल हेड 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 टेल टेल हेड सॉरी टेल हेड टेल और फिर टेल टेल हेड या 3ों बार टेल, यही ना आपके परिणाम हो सकते हैं। ए जो क्या कह रहा है, एक ऐसी घटना है कोई चित्र प्रकट नहीं होता, यानी कि कोई भी हेड नहीं आता है, यानी कि हर एक बार टेल हो सकता है, ये ना हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, चित्र प्रकट होता है, एक चित्र प्रकट होता है तो एक हेड होना चाहिए, तो एक हेड वाला देखो इसमें कौन कौन है, तो एक हेड वाले की बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हेड टेल 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 हेड टेल और टेल टेल, सीन कम से कम 2 चित्र प्रकट होता है, कम से कम 2 चित्र, यानी कि कम से कम 2 चित्र, यानी कम से कम 2 हेड होंगे, 2 से अधिक भी हो जाएगा, यानी कि ये सब आ जाएंगे, हेड 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 टेल हेड टेल हेड और फिर टेल हेड हेड,
ठीक है, क्या परस्पर अपवर्जी और निशेष घटनाओं का समुच्चय है? क्या यह परस्पर अपवर्जी और निशेष घटनाओं का समुच्चय है? तो देखिए, अगर हम लोग इन तीनों के इंटरसेक्शन की बात करें, कुछ भी सेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। अतः ए बी तथा सी परस्पर अपवर्जी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमें निशेष घटना बतानी है, तो तीनों का यूनियन देखिए, तो तीनों का यूनियन निकालिएगा, तो ये पूरा का पूरा प्रतिदर्श समष्टि मिल जाएगा। हेड हेड हेड, हेड हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर उसके बाद हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल 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 हेड, और फिर उसके बाद टेल टेल टेल, तो पूरा प्रतिदर्श समष्टि ऐसे ही मिल जा रहा है। तो अतः यहाँ कह सकते हैं, अतः यहाँ कह सकते हैं कि ए बी तथा सी निःशेष घटनाएं हैं, ठीक है, ये भी हमने दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्या कह रहा है कि एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कर। अच्छा, एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समिष्ट में क्या आएगा? तो वही एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः, फिर दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः, फिर हो जाएगा आपका तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छ, पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छ, फिर उसके बाद छ एक, छ दो, छ तीन, छ चार, छ पाँच, छ छ, ठीक है, ये आपके होंगे सैंपल स्पेस में। चलिए, तो अब इन घटनाओं पर विचार करते हैं, देखते हैं वर्णन करेंगे इसका। ए नंबर देखिए, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है, तो 8 से अधिक के लिए हम लोग देखिए इसमें क्या करेंगे। प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक, 8 से अधिक किनका किनका होगा? तो इधर 3 पर, यहाँ 3 6 से होगा, 3 6, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 5 4 6, फिर यहाँ पे 5 4 5 5 5 6, फिर उसके बाद 6 3 6 4 6 5 6 6 6 5 6 6, फिर उसके बाद क्या कह रहा है सेकेंड नंबर में, बी जो दिख रहा है, दोनों पासे पर संख्याएं दो प्रकट हुई, संख्या दो प्रकट होती है। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से नहीं देना चाहिए, दोनों पासों से कम एक पर दो प्रकट होती है, ऐसे लेना चाहिए था, ये गलत दिया है। दोनों पासों पर कम से कम दो, या इस पे ही बना देते हैं, जो दिया है उसी को लेकर बना देते हैं, ठीक है, जो दिया है उसी को लेकर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है उसी से बना देते, ठीक है। तो यहाँ पर बी क्या कह रहा है, दोनों पासों पर संख्या दो प्रकट हुई है, तो यहाँ दो दो ही एक ही बार प्रकट हुई होगी। चलिए, अच्छा, तीन नंबर के लिए देख लेते हैं, प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 और 3 का गुणज है, ठीक है, कम से कम योग 7 होना चाहिए और वो 3 का गुणज होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ सी नंबर में देखिए, 3 का भी गुणज हो और योग 7 से कम से कम 7 है, यानी कि 7 या 7 से अधिक हो सकता है। तो देखो ना, इसमें इधर तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा, 3 6 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, देख लो 4 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 5 के बाद आपका 5 4 हो सकता है, 6 3 हो सकता है,
और छ छ हो सकता है, इन्हीं का ना योग तीन का गुणज होगा, और सॉरी है ना तीन का गुणज हो जाएगा योग, और इनका योग जो होगा कम से कम सात या सात से अधिक होना चाहिए। तो देखो सात या सात से अधिक होगा ना ये, अच्छा आठ पांच तीन आठ योग तो सात से अधिक हो जाए लेकिन तीन का गुणज नहीं है, तो ऐसा लेना है कि तीन का गुणज भी हो जाए योग और कम से कम सात होना चाहिए, या सात से अधिक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन घटनाओं में कह रहा है कि कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी है। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे तो फाई आ जाएगा ना जी, बिल्कुल। अतः ए तथा बी परस्पर अपवर्जी है, अपवर्जी है। अच्छा बी इंटरसेक्शन सी भी हमें फाई मिलेगा, तो यहां लिख सकते हैं अतः बी तथा सी भी, बी तथा सी परस्पर अपवर्जी है, ठीक है। लेकिन ए और सी में नहीं होगा, है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू फाई, अतः ए तथा सी परस्पर अपवर्जी नहीं है, परस्पर अपवर्जी नहीं है। देखो ना उसमें अवयव समान मिल रहे हैं, छ छ है आपका, ठीक है छ तीन भी है, पाँच चार भी है, चार पाँच भी है, तीन छः भी है, सभी मिल रहे हैं, तो परस्पर अपवर्जी नहीं है, समझ गए। तो ये इस एक्सरसाइज में यही आपके क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।